सर भीड़ देख सकते हो आप सुबह सुबह मॉर्निंग में टिकट काउंटर के टिकट के लिए कितनी भीड़ लगी हुई है, आप ये देखिए। अरे ये क्या हुआ, ये आप देख सकते हो सामने मिलिट्री। पता लगा कि आज श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हुए हैं, तो श्रीनगर डल लेक का रास्ता तो आज बंद है, सो हमारा आज का सीन यहाँ पे ख़राब जाता। सो हमने किसी लोकल से पता किया कि आप यहाँ दिन ना ख़राब करते हो, आप गुलमार्ग चले जाइए। कल भी हुआ था इधर? हाँ कल भी हुआ था। मुंबई का फैशन गुलमर्ग का मौसम, इसका भरोसा नहीं है। अरे क्या बात भैया, कितनी बढ़िया बात। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द नेक्स्ट डे ऑफ माई व्लॉग। अभी सुबह सुबह मॉर्निंग में हम 6 बज चुके हैं, उठ चुके हैं और अभी हम चाय पीने जा रहे हैं। आप देख सकते हो मुनीस भैया चाय ले आए, सो इट्स टाइम फॉर टी। सो चाय पी के हम अभी जाएंगे स्टेशन पे और स्टेशन से ट्रेन को पकड़ के हम पहुंचेंगे श्रीनगर। अभी पहले हम जल्दी से पी लेते हैं चाय। गाइस सुबह सुबह वैसे तो हम पहले ही लेट हो चुके हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है 7:45 को और हमारी गाड़ी का टाइम है 7:15। सो अभी हमने चाय पी ली है भाई की दुकान से, ये हमारा होटल है आप देख सकते हो। सो होटल से चाय पी के अभी हम जाएंगे स्टेशन पे और अभी आपको दिखाते हैं मॉर्निंग के व्यूज। गाइज आप ये देख सकते हो बनिहाल रेलवे स्टेशन, भीड़ देख सकते हो आप सुबह सुबह मॉर्निंग में टिकट काउंटर के टिकट के लिए कितनी भीड़ लगी हुई है, आप ये देखिए। अरे ये क्या हुआ, ये आप देख सकते हो सामने मिलिट्री वालों ने आके सारी भीड़ को खदेड़ दिया, भगा दिया, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो चुकी थी आप सामने देख सकते हो। गाइस जब यहाँ भीड़ होती है तो मिलिट्री वाले हमारे इंडियन आर्मी ऐसे ही करते हैं, भीड़ नहीं होने देते यहाँ पर। 3 मिनट्स लेटर सो गाइस फाइनली हमें ट्रेन मिल चुकी है, बहुत मेहनत से भाग दौड़ कर यार ट्रेन की भीड़ है ट्रेन में। ये देखिए गाइस आप फुल भीड़ है। सो टाइम से 7:15 बजे चल पड़ी है और देखते हैं अब कितनी देर में हम श्रीनगर। सो देख सकते हो गाइज आप हमारी ट्रेन चल पड़ी है स्टेशन से बनिहाल से श्रीनगर। दो स्टेशन के बाद मुझे सीट मिली गई आप देख सकते हो। सो अभी आगे देखते हैं क्या उनसे कौन से स्टेशन आएंगे, मैं आपको सब बताता रहूँगा। सो अभी तो मुझे सीट मिल चुकी है, सो मेरे फ्रेंड उधर खड़ा है। सो जैसे जैसे स्टेशन आते रहेंगे, मेनली अनंतनाग है, उसके बाद श्रीनगर, बीच में जो भी आएंगे मैं आपको बताते रहूँगा। सो अभी तो मुझे सीट मिल चुकी है। अभी तक का सफर कुछ ऐसा रहा, हम बनिहाल से चले, रास्ते में एक दो स्टेशन आए जिसमें सडोरा और अभी हमने क्रॉस किया अनंतनाग क्रॉस करके हम पहुंचेंगे श्रीनगर। पहुंच चुके हैं श्रीनगर स्टेशन पे, ये हमारी आप ट्रेन देख सकते हो और ये पीछे
प्लेटफॉर्म है श्रीनगर का, आप देख सकते हो गाइस। सो हम अभी पहुंच चुके हैं श्रीनगर रेलवे स्टेशन। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर। वैसे तो ये गांव आसपास इसको बोलते हैं नौगांव, लेकिन यहां से श्रीनगर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। और मेरे पीछे आप ये देख सकते हो, ये श्रीनगर का रेल। श्रीनगर स्टेशन में पहुंचकर ही पता लगा कि आज श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हुए हैं। तो श्रीनगर डल लेक का रास्ता तो आज बंद है, सो हमारा आज का सीन यहां पे ख़राब जाता। सो हमने किसी लोकल से पता किया कि आप यहां दिन ना ख़राब करते हो, आप गुलमार्ग चले जाइए सीधा। सो अभी हम वापस रेलवे स्टेशन श्रीनगर पर खड़े हैं और यहां से अब हम गुलमार्ग की तरफ जाएंगे। सो एक स्टॉप छोड़ के दूसरा स्टॉप है श्रीनगर से माजोम स्टेशन पर हम उतर के वहां से टंग मार्ग के लिए कोई बस या ऑटो लेके सो हम पहुंचेंगे गुलमार्ग। सो गाइज सफ़र जैसा भी रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा। सो गाइज यार आप सामने देख सकते हो हमारी ट्रेन स्टेशन प्लेटफॉर्म पर पहुंचने वाली है। सो इसमें बैठकर हम पहुंचेंगे अब माजोम स्टेशन पर। सो आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ये पहुंच चुकी है। सो गाइज यार हम अब श्रीनगर से निकल चुके हैं ट्रेन में बैठकर माजोम स्टेशन के लिए। सो वहाँ पहुँच के हम आपको मिलते हैं, वहाँ की बताते हैं सिचुएशन लोकेशन। सो गाइज हम स्टेशन से बाहर आ चुके हैं, माजोम स्टेशन से बाहर आके हम इस गाड़ी में बैठ चुके हैं और गाड़ी में बैठकर अब हम जाएंगे टंग मार्ग। सो गाइज रास्ते का सफर कैसा रहता है हम आपको वो भी दिखाते रहेंगे। आप पहुंचने वाले उससे लगभग 5-6 किलोमीटर पहले ही हमें रास्ते में बर्फ देखने को मिली है। ये पता नहीं कौन सा शहर है, पर आपको मैं दिखाता हूँ रास्ते में। अब बहुत स्नो है, सो ऑन द वे पड़िया जो ये देख सकते हो गाइज आप ऑन द रोड कितनी स्नो आपको देखने को मिल रही है। और आगे क्या होगा तो आप सोच ही सकते हो गाइज, क्योंकि अभी हम टंग मार्ग जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे गुलमार्ग। Few moments later. So, क्या इन्होंने क्या लिया आपका टोल? टोल टर्न मार्क जाने का टोल, ठीक। So, guys, अभी हम एंटर कर चुके हैं शहर टर्न मार्क में। और सो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं टर्न मार्ग में, और टर्न मार्ग में आप ये है यहाँ का टैक्सी स्टैंड, आप देख सकते हो यही वैसे स्टैंड है गुलमार्ग जाने वाला, और उस साइड है टर्न मार्ग का स्टैंड जो कि बनिहाल तक जाता है। सो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ से आप देखते हैं हम कोई शेयरिंग टैक्सी मिलती है तो जिसमें बैठ कर हम पहुँचें गुलमार्ग। सो आप बने हमारे साथ। अभी हम यहाँ वेट कर रहे हैं अपनी किसी गाड़ी का, कोई टैक्सी अगर गुलमार्ग की तरफ जाएगी तो जैसे कोई गाड़ी हमें मिलती है हम आपको वो भी बताएंगे। सो ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइस हमें गाड़ी मिल चुकी है यहाँ से टर्न मार्ग से गुलमार्ग जाने के लिए। सो अभी हम बैठ चुके हैं शेयरिंग टैक्सी में। सो अभी हम जा रहे हैं गुलमार्ग की तरफ, सो आप बने रहे हमारे साथ, और रास्ते के व्यू हम दिखाते रहेंगे आपको किस तरह के कैसे व्यूज है। हमारी गाड़ी के ड्राइवर सर, आपका क्या नाम है? अफजल भाई। सो आप हमें गुलमार्ग लेके जा रहे हो,
सो रास्ते के व्यूज कैसे अभी? अभी ठीक है। और स्नोफॉल कैसी हुई है? बढ़िया सर। और कितने टाइम में हम पहुंच जाएंगे? आधे घंटे के अंदर अंदर बिना जाम के। बिना जाम के भैया ने कहा आधे घंटे के अंदर हम पहुंच जाएंगे अगर जाम ना हुआ तो। सो गाइस आप देख सकते हो रास्ते के व्यूज कितनी स्नो है, ऊपर तक स्नो फुल है, आप सामने देख सकते हो। और ये रास्ता बिल्कुल गीला है क्योंकि बारिश की वजह से पानी आया हुआ है। खतरनाक रास्ता यार, मोड पे भी ओवरटेक करके ऐसे चला रहे गाड़ी को जैसे कि ये जहाज उड़ा रहे हो, बर्फ के ऊपर से जहाज उड़ा के जाएंगे। सो गाइस आप ये देख खूबसूरत व्यूज है यार, एक बार आप जरूर आना यार। सो ये देखना रास्ते में आपको ऐसे ही अब पूरा रास्ता आपको बर्फ में मिलेगा भरा हुआ। ये रास्ता वैसे क्लीन कर रखा है, वैसे उस समय पहले बिल्कुल जाम था, रास्ता बंद कर रखा था। हेलो सर, ये देखिए गाइस आप बाहर का व्यू सामने, फुल ऑन बर्फ है ऑन द रोड गाइस। तो आप सामने व्यूज देख सकते हो। अगर यार गाड़ी में आपने बाहर की हवा ही नहीं ली क्या मजा, बाकी गुरुवार फोन के आपको वो भी इंजॉय कराते रहेंगे आप। सो आप ये हमारी गाड़ी देख सकते हो, आगे से दिखाओगे सीन सफर होने वाले यादगार पर दोबारा पता नहीं कब आया जाएगा भी यार। आज हो रहा है, कल भी हुआ था, इसको स्नो फॉल का कोई भरोसा ही नहीं। कल भी हुआ था इधर? हाँ कल भी हुआ था। बम्बई का फैशन, गुलमर्ग का मौसम, इसका भरोसा नहीं है। अरे क्या बात भैया ने कितनी बढ़िया बात कही सर, एक बार और दोबारा क्या। सो गाइस जैसे जैसे हम गुलमर्ग के पास पहुंचते जा रहे हैं और स्नोफॉल हल्की हल्की स्नोफॉल शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हो स्नोफॉल शुरू हो चुका है। क्या बता दो पर गुलमार्ग में इससे भी ज्यादा स्नोफॉल देखने को मिले। सो अभी हम जा रहे हैं ऑन द वे, आप सामने देख सकते हो स्नोफॉल। गाइस अभी हम कर रहे हैं सफर का एंजॉय, ऐसे भाई इधर मेरा भाई आ गया गुलमार्ग। मम्मी मैं पहुंच गया गुलमार्ग, और हल्की हल्की स्नोफॉल शुरू हो चुकी है गाइस। गाइस फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं गुलमार्ग में, और गुलमार्ग में अभी लाइव स्नो फॉल हो रही है, इतनी हैवी तो नहीं है पर हल्की फुल्की आप देख सकते हो। और अभी मेरे तो शूज आप देख सकते हो ओके है, पर मुनीस भाई शूज ले रहे हैं, तो अभी हम स्नो के लिए शूज अलग से लेके लेने जा रहे हैं स्नो बूट। सो गाइस यार सुबह से हमने नाश्ता नहीं किया, तो अभी गुलमार्ग पहुंच के हम करते हैं चाय पानी नाश्ता और टाइम हो गया अभी 12 बजे हम गुलमार्ग पहुंच गए, लगभग 12:15 पहुंच गए थे। सो अभी हम चाय नाश्ता करके फिर आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या व्यूज है, क्या क्या पॉइंट्स है घूमने के। सो गाइज हम फाइनली पहुंच चुके हैं गुलमार्ग, और गुलमार्ग में हमने यहाँ से अभी ले लिए शूज, और शूज लेके अभी हम आपको दिखाते हैं कौन कौन से पॉइंट्स है जहाँ हम घूम सकते हैं। सो अभी ये टैक्सी स्टैंड है, आप ये देखिए सामने ये टैक्सी स्टैंड है, और टैक्सी स्टैंड के सामने ही वॉशरूम है और कुछ दुकानें हैं जो आप सामने वीडियो में देख सकते हो गाइज। सो अभी आप मैं आपको ले चलता हूँ उन पॉइंट्स पे जहाँ पे आप घूम सकते हो। ये पूरा टैक्सी स्टैंड आप यहाँ पे देख सकते हो गाइज। हेलो, अपना नाम क्या भाई साहब? सुजात। सो ये सुजात भाई हमें बता रहे हैं यहाँ में किस किस पॉइंट्स पे घूमना है, बताइए सर। स्केटिंग वाला पॉइंट, ये पॉइंट छह स्पॉट आपको ओके थाउजेंड पूरा छह प्लेट, अनलिमिटेड टाइम, टाइम अनलिमिटेड है, 1000 रुपया फुल डे जितना आप घूमना चाहोगे उतना। सो हम डिसाइड कर लिया अभी। सो गाइज अभी भाई ने सुजात भाई ने अभी हमें 6 पॉइंट बताया कि आप यहाँ पर इन इन जगह पे घूम सकते हो घूमने के लिए। सो 1000 रुपए उन्होंने हमें प्राइस बताया है, और टाइम अनलिमिट है कि आप अनलिमिट घूम सकते हो। सो आप बताइए कि हमें ये इन भाई से मिलना चाहिए, इनके साथ जाना चाहिए या नहीं, या कमेंट कर मुझे जरूर बताना। सो गाइज अभी हम आपको ले चलते आगे, दिखाता हूँ जहाँ लिखा हुआ गोल्डन वर्ड्स में आई लव गुलमार्ग। सो आप मेरे साथ ये देख सकते हो वो पॉइंट्स, और इसके आसपास के व्यूज भी आप एक बार चेक कीजिए। ये देखिए गाइस आई लव गुलमार्ग गोल्डन वर्ड्स, और आसपास पूरी व्हाइट चादर की तरह बिछा हुआ है सब ये पहाड़ों पर स्नो।